2014 का चुनाव 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी को यूपी में जो ऐतिहासिक जीत मिली उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसीलिए अब जब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो एक बार फिर कमान अमित शाह ने ही संभाल ली है आज उन्होंने लखनऊ के इस डिफेंस एक्सपो मैदान में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि 2014, 2017 और 2019 के जब चुनाव हुए यूपी में तब पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था इसीलिए अब 2022 के चुनाव से पहले ये सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें डेढ़ करोड़ नए सदस्य बीजेपी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस मंच से उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा उनके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव रहे अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जब सपा बसपा की सरकार थी तब गुंडे माफियाओं का बोलबाला था लेकिन योगी सरकार जब से आई है दूरबीन लेकर भी अब खोजने पर गुंडे माफिया नहीं मिलते हैं उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की धरती प्रभु श्री राम की धरती है श्री कृष्ण की धरती है लेकिन मुगल काल के बाद से यहाँ के लोगों को एहसास ही नहीं हुआ एहसास कब हुआ साल 2017 में जब बीजेपी सत्ता पर काबिज़ हुई साफ तौर पर अमित शाह ने आज इस मंच से ये भी कहा कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है तो ये जरूरी है कि 2022 के यूपी के चुनाव में बीजेपी को जनता आशीर्वाद दे 300 से ज़्यादा सीटें दे और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे अमित शाह ने साफ संदेश यहाँ से दिया है कि 2022 में बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और तीन सौ से ज्यादा सीटें मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे कैमजे मेहदी हसन के साथ अनबर शुक्ला एपी गंगा लखनऊ एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी